हेलो बच्चों, बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स का आज जो हमारा है थर्ड लेक्चर है बच्चों। इसमें हम लोग रेंज और डोमेन स्टडी करेंगे। लास्ट दो दिन से कोई वीडियो नहीं आ पाई, होली थी, आप लोगों को ही पता है, दैट्स वाई। तो आज हमारा बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, अलेवेंथ हो चाहे ट्वेल्थ हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, रेंज एंड डोमेन। मैक्सिमम बच्चे, आप कभी भी देख लेना, किसी भी क्लास में हम लोग चेक करते हैं, मैक्सिमम बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रेंज और डोमेन में। और आपको पता है रेंज और डोमेन, देखो हर फंक्शंस की कोई ना कोई रेंज और डोमेन होगी, मीन्स इस टॉपिक का यूज़ बहुत वाइड है। किसी भी फंक्शंस में हर फंक्शंस की कोई ना कोई रेंज होती है और डोमेन होती है, और बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, जहां पर हमें इसकी नीड पड़ती है। इवन ट्वेल्थ में तो ये मानना कि पूरी कैलकुलस में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को रेंज डोमेन की नीड पड़ सकती है। तो रेंज और डोमेन अच्छे से आना जरूरी है, और सबसे ज़्यादा बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है अलेवेंथ में भी और ट्वेल्थ में भी। तो आज हम लोग यही अपना टॉपिक स्टडी करेंगे, रेंज एंड डोमेन होता क्या है, कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। और इसके बाद टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है, मैंने टाइप ऑफ फंक्शंस को अभी बाद में लिया है, बिकॉज टाइप ऑफ फंक्शंस की भी सभी टाइप की रेंज डोमेन निकालने के लिए भी हम लोग को बेसिक्स रेंज और डोमेन निकालनी आनी जरूरी है। तो क्या होती है रेंज और डोमेन, इसकी हम लोग पहले बात करेंगे, ठीक है बच्चों। रेंज एंड डोमेन, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कि रेंज एंड डोमेन है क्या, कंडीशंस क्या। देखो डोमेन हमारा भी एक डोमेन होता है, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वो हमारा डोमेन है। रेंज, हम कितनी बाहर तक जा सकते हैं, हमारी रेंज कितनी, हम कितना उड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशंस है। अगर मैं, जैसे आप स्टूडेंट हो, आपका डोमेन मतलब आप क्या कर सकते हो, आप क्या इनपुट दे सकते हो। डोमेन का सिंपल सा मतलब मैं इनपुट भी बोल सकता हूँ। तो डोमेन का सीधा सा मतलब है आप जो इनपुट दे सकते हो, ठीक है। आप इनपुट में, अगर मैं फंक्शंस की तरह बात करूंगा, आप इनपुट में क्या अपना हार्डवर्क दे सकते हो, मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो, सब कुछ। और रेंज कोई लिमिटेशंस नहीं है, आपकी रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, मीन्स आप किसी भी लेवल को टच कर सकते हो, आप रैंक वन भी ला सकते हो, ठीक है, और दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी एक तरह से रेंज होगी। अब नॉर्मल हम फंक्शंस की बात करते हैं कि डोमेन और रेंज होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी कंडीशन। बच्चों ध्यान से देखो, जो चीज़ें आएंगी पहले हम लोग उसे डिस्कस कर लेंगे। मेन जो हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा वाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बेसिक्स रेंज और डोमेन जिनकी हमारे से पूछी जाती है। देखो अगर मैं कोई फंक्शन लूँ, लेट करो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री। अच्छा, इस फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टू एक्स प्लस थ्री। तो इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में मैं समझाता हूं आपको कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। पहली बात करेंगे हम लोग डोमेन की। डोमेन, देखो अगर मैं सिंपल से वर्ड में बोलूं ना, जैसे ये फंक्शंस है, तो सिंपल से मतलब मैं तो ये है कि डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, जो जो हम लोग इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, या इसे हम लोग बोल सकते हैं इनपुट, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, या इसे हम लोग इनपुट, कि हम लोग इसमें क्या क्या इनपुट दे सकते हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। पॉसिबल वर्ड का इंपॉर्टेंस यहाँ बढ़ जाता है, मैं बताऊंगा पॉसिबल का मतलब क्या क्या है, कि कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। या मैं इसकी जगह थोड़ा सा और लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा एडिशनल लिखा है कि एक्स की मिनिमम टू एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज, बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ। और इसी तरह बात करेंगे रेंज की। रेंज का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वाई जो है वो एक्स पर डिपेंड करता है। तो अब हमें ये देखना है कि वाई की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मीन्स यहां पर भी मैं लिख सकता हूं वाई की मिनिमम टू वाई की मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान रखना, बट ये पॉसिबल वैल्यूज है, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में जो जो हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है पॉसिबल वर्ड, सबसे पहली चीज पॉसिबल। आप कहोगे सर मतलब पॉसिबल का क्या, देखो पॉसिबल का मतलब ये है, हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करें हमें कोई दिक्कत नहीं, बट कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिससे फंक्शन क्या बन जाए, नॉट डिफाइंड बन जाए, ठीक है। फंक्शन क्या बन जाए आप लोग के पास, नॉट डिफाइंड वाली कंडीशंस आपके पास आ जाए, ठीक है।
या आपके पास इमेजिनरी बन जाए, जैसे रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता, तो इस तरह की कोई भी कंडीशंस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि इसी क्वेश्चंस की बात करूं मैं, वाई प्लस टू टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, इसकी बात की है मैंने कि भैया इसमें बताओ क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा ये बताओ एक्स की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे ना, क्या कोई दिक्कत आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ भी पुट करो आप इसमें, एनी रियल नंबर, ठीक है। बिकॉज देखो, अब ये भी कंडीशंस होती है कि सर नॉट डिफाइंड या इस तरह के केस कब बनते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस में पढ़ते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होंगे जहां पर इस तरह की कंडीशंस आएगी, ठीक है। अभी तो हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जब मैं टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो उनके साथ साथ उनके रेंज और डोमेन के क्वेश्चंस भी टाइप ऑफ फंक्शन के साथ कराऊंगा। अभी बेसिक्स, रेंज और डोमेन का मतलब समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर टाइप ऑफ फंक्शंस के साथ रेंज और डोमेन करेंगे। यहां पर आप क्या कहोगे कि एक्स कुछ भी पुट कर दें, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आपको पता है कि सर कुछ भी पुट करो, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पर, क्योंकि ना तो ये रेसिप्रोकल। मैं देखो एक दो कंडीशंस बता देता हूं मैं अभी, जैसे कि 1 अपॉन x होता तो हम ये कह देते थे कि दिस वन इज डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे रूट के अंदर fx है, बस दो ही कंडीशंस बता रहा हूं अभी, और तो टाइप ऑफ फंक्शन के साथ साथ इसमें हमें ये पता है कि सर कुछ भी हो जाए बट इस fx की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, बिकॉज रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, वो क्या बन जाएगा? इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी कंडीशन है इसकी। चलो अब यहां पर आ जाओ। अब आप कहोगे सर ना तो ये रेसिप्रोकल में है जो 1 अपॉन 0 बन जाएगा, ना ही ये रूट में है जो प्रॉब्लम आएगी। अभी सिंपल सा पॉलीनोमियल फंक्शंस है, दैट्स इट। हम लोगों ने डायरेक्ट इसका मतलब डोमेन, डोमेन क्या होगा बच्चों? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की। सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है रेंज में। रेंज के लिए बच्चों चाहे रट लो, मैं आप लोग को सिंपल सी कंडीशन बताऊंगा। रेंज के लिए हमेशा फंक्शंस को अपोजिट करते हैं। अभी बेसिक्स क्वेश्चन में अपोजिट इन द सेंस, अभी फंक्शन y इक्वल टू के रिस्पेक्ट में है ना, फंक्शंस को बनाएंगे x इक्वल टू के रिस्पेक्ट में। मैं सीधी सी बात करूं, अगर x को एलिमिनेट करना है, ठीक है, जैसे अभी y एक साइड, सारे x एक साइड, हमें क्या करना है? x एक साइड और सारे y वगैरह जो भी कॉन्स्टेंट है वो एक साइड। दोबारा रिपीट करता हूं, x को एलिमिनेट करना है आप लोगों ने बस, और सब कुछ y इधर। अब x के रिस्पेक्ट में फिर हम लोग y को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये रेंज के लिए ये फंक्शन है हमारा, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या 3 को इधर भेजेंगे, 2 को इधर। तो राइट नाउ 2x इक्वल्स टू y माइनस 3 और x इक्वल्स टू क्या होगा, y माइनस 3 बाई 2। देखो कोई दिक्कत? अब आप इस x के बारे में सोचो कुछ, इस x की कोई कंडीशन नहीं। ये x तो कहता है मैं तो कुछ भी हो सकता हूं, एनी रियल नंबर, मींस ये कह रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, एनी रियल नंबर। तो जब ये एनी रियल नंबर कह रहा है तो हम इधर कहेंगे इधर भी कोई भी रियल नंबर आना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर y तो ऊपर है, कुछ भी पुट करो, ना तो इन्फिनिटी बनेगा, अपॉन में नहीं है, ना ही रूट वाली कंडीशन है, ना ही कोई अनदर फंक्शंस वाली कंडीशन है। तो आप कहोगे कि अगर x कह रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो y कहेगा मैं भी फिर एनी रियल नंबर अडॉप्ट कर सकता हूं, यस और नो? तो एनी रियल नंबर अगर y अडॉप्ट कर सकता है, इसका मतलब क्या हो गई कि रेंज जो इसकी आएगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मीन्स इसमें x की भी कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, और अगर x की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो तो y भी कुछ भी आ सकता है। कोई दिक्कत इस कंडीशंस में तो बोल दो। ये बहुत ही बेसिक सी कंडीशंस है जो मैंने आप लोगों को बताई। अब इस पर थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करना ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत यहां तक? डन है इतनी सी बात, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट कंडीशंस पर, अभी हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज। अभी हमारे पास दो कंडीशंस फॉलो करेंगे, एक बेसिक्स रेसिप्रोकल वाली और रूट वाली। थोड़े से और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं आपको कहता कि बच्चों 3x माइनस 7 बाई 18, ठीक है, इसकी रेंज डोमेन निकालना है। अभी तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन लिया है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 3x माइनस 7 डिवाइड बाई 18, ठीक है। बताओ x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, अपने माइंड में रिकॉल करो साथ के साथ वीडियो देखते देखते। x आप कहोगे सर कुछ भी पुट कर दो, यहां पर भी एनी प्रॉब्लम? नो। तो डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। बात आई रेंज की, रिकॉल करो क्या करते हैं रेंज में, अभी अभी बताया था, याद करो, आया याद? फंक्शंस को अपोजिट करेंगे, मतलब अभी y इक्वल टू x इक्वल टू, ये 18 इधर बच्चों,
चलो 7 भी इधर और 3 भी इधर, तो x इक्वल्स टू ये आ जाएगा ना 18y प्लस 7, और जो 3 था इधर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। अब ये x कहता है कि भाई ये तो x एनी रियल नंबर है, ये कह रहा है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या इस y को कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये तो आराम से ऊपर बैठा है, ना तो रेसिप्रोकल में ना ही रूट में है जो प्रॉब्लम आएगी अभी, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर y ऑल्सो बिलोंग्स टू R, मतलब जो रेंज होगी इसकी वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगी। ये बेसिक्स क्वेश्चन। अब लगाते हैं कंडीशंस। एक खाली रेंज का क्वेश्चन बताता हूं जिसमें x के ऊपर मैं ऑलरेडी आपको कंडीशंस दूंगा। अगर मैं कहता हूं फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स 4x माइनस 7 डिवाइड बाई 3 इफ x ग्रेटर देन 1। ध्यान से समझना, रेंज निकालनी है, डोमेन की बात नहीं की मैंने। तो आप लोगों ने जब सॉल्यूशंस पर आए तो आपने देखा कि सर फंक्शन ये है, क्या निकालनी है बच्चों? रेंज। रेंज के लिए क्या करते हैं, रिकॉल करो, रेंज के लिए हम लोग फंक्शंस को अपोजिट करते हैं, ठीक है। 3 इधर, 7 उधर और 4 इधर, तो x इक्वल्स टू 3y प्लस 7 डिवाइड बाई 4। नाउ अब ध्यान से समझना, क्या अभी भी इस x पर कोई कंडीशन है? देखो अगर x होता कि एनी रियल नंबर तो मैं इसे भी एनी रियल नंबर, बट यहां पर मैंने x के लिए कंडीशंस दी है कि x हो गया भैया ग्रेटर देन 1, तो ठीक है, गिवन कंडीशन है बच्चों, ये गिवन कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 1। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये भी क्या होना चाहिए बोलो? ये भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना, इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब 4 को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, 7 को उधर शिफ्ट कर दो, 4 माइनस 7, ठीक है। अब आप लोग कहोगे 3y इज ग्रेटर देन माइनस 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो y क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन माइनस 1। इसका मतलब जो x की कंडीशन है उसके रेस्पेक्ट में जो y की वैल्यू आएगी वो हमेशा माइनस 1 से बड़ी आएगी। इसका मतलब कि जो रेंज होगी वो क्या होगी बच्चों? माइनस 1 से बड़ी। बड़ी कहां तक हो सकती है? इंफिनिटी तक। ये सिंपल सी कंडीशंस थी जो मैंने आप लोगों को दी थी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये एक सिंगल कंडीशन, सब दोनों साइड की एक कंडीशन ले लेते हैं, डन है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये इसकी रेंज आ गई। चलो और क्वेश्चंस पर आते हैं, थोड़ी सी और कंडीशंस। नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन को और अच्छा अगर हम लोग बना दें, आप लोग इसे कॉपी कर सकते हो, साथ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंडीशंस मैंने बनाई, अगर मैंने एक क्वेश्चन लिया कि फाइंड द रेंज ऑफ, कोई भी कंडीशंस ले सकते हैं हम लोग यहां पर, रेंज ऑफ एफ एक्स 5x माइनस 7 डिवाइड बाई 3 इफ, अब ध्यान से देखना, इफ x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 7। कंडीशंस लगाई है बच्चों मैंने, अब दोनों साइड x के लिए कंडीशंस है, मतलब डोमेन के लिए एक तरह से कंडीशन दे दी मैंने अपनी तरफ से कि भाई मैं x माइनस 1 टू 7 लूंगा तो अब बताओ y क्या क्या हो सकती है। वैसे तो डायरेक्ट भी हम लोग पुट करके देख सकते हैं, बट अभी डायरेक्ट नहीं देखेंगे, अभी हम लोग प्रॉपर मेथड को फॉलो करेंगे, फिर मैं डायरेक्ट भी आप लोग को बताऊंगा। देखो y इक्वल्स टू आ गया, ये 3 इधर, तो x क्या आ गया बच्चों? 3y प्लस 7 डिवाइड बाई 5। अब आपको पता है कि गिवन कंडीशन है कि जो x है वो माइनस 1 से 7, अगर x माइनस 1 टू 7 होगा तो ये भी क्या होना चाहिए बच्चों? माइनस 1 टू 7 मीन्स 3y प्लस 7 बाई 5, ये 7 से लेके माइनस 1 टू 7। ध्यान रखना इधर ओपन है और इधर क्लोज ब्रैकेट है, 5 को इधर उधर ले जाओ, 3y और ये, ठीक है, 7 माइनस कर दो आप तीनों साइड, इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है, इधर माइनस 7 करोगे, इधर माइनस 7 करोगे, इधर ये तो खत्म हो जाएगा। और यहां पर जो कंडीशंस आएगी अभी दिखने रही होगी आपको, इधर ऊपर आ जाते हैं, तो यहां पर जो कंडीशंस आएगी प्यारे बच्चों वो आएगी 3y, 7 माइनस किया इधर से 28, और इधर क्या आया भाई? ये इक्वल नहीं है बच्चों, ये आ गया माइनस 12। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब आपको 3 भी हटाना है, तो डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, तो y
माइनस फोर टू, ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों, ये तो ऐसे ही रहेगा 28/3। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बोल दीजिए। डन है, यहां तक समझ में आ गया। तो आप कहोगे कि सर जो रेंज होगी वो माइनस फोर टू 28/3 ओपन ब्रैकेट होगी। ये बहुत ही बेसिक सी कंडीशंस थी। अच्छा, मैंने आप लोग को ये बोला था अभी कि हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो ये अभी लीनियर फंक्शन है, और लीनियर हमेशा या तो ऐसे जाता है या ऐसे जाता है, मतलब ये स्ट्रिक्टली, मतलब अगर मैं बात करूंगा तो कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है एक तरह से, या तो इंक्रीज करता रहेगा या डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करके हम लोग देख सकते थे सीधा सीधा, अगर आप लोग पुट करते क्या कि सीधा सबसे छोटी वैल्यू पुट करके देख लो। देखो माइनस वन सबसे छोटी है ना, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस वन। ठीक है, तो ये माइनस सेवन डिवाइड बाई थ्री। तो जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं, अभी बताऊंगा आगे क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उनमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख सकते हो। तो देखो जरा, माइनस 12/3 माइनस 4, ये सबसे छोटी वैल्यू, और सबसे बड़ी कहां पर आएगी, 7 पुट कर दो इसमें। तो अगर x को मैं 7 पुट कर दूंगा तो y क्या आएगा बताओ जरा, 5 × 7 माइनस 7 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ गया अगेन 28/3। तो देखो डायरेक्ट भी आप लोग देख सकते हो। देखो जब प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगी जिनकी डायरेक्ट वैल्यू आप लोग इजीली निकाल सकते हो। देखते ही सार बहुत सारे फंक्शंस होंगे जिनके डोमेन रेंज के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आप लोग निकाल सकते हो। बट वो धीरे धीरे आप लोग को आएगा, जब हम लोग आगे टाइप ऑफ फंक्शंस और थोड़ा सा डीपली जाएंगे तो चीज़ें आपको समझ में आनी लगेगी। तो ये पहली कंडीशन, बिल्कुल सिंपल कंडीशंस। ठीक है, सिंपल सा पॉलिनोमियल फंक्शंस लिया था, लीनियर इक्वेशंस जिसमें हम लोगों ने किया था। अब लीनियर से बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने दो कंडीशन बताई थी, एक रूट वाली और दूसरी रेसिप्रोकल वाली, थोड़ा सा रूट वाली कंडीशंस की हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है बच्चों, डन ये, ठीक है इसे हटाते हैं। अब आते हैं रूट वाली कंडीशंस पर। रूट वाली कंडीशंस वैसे मैं बता देता हूँ, फंक्शन में भी पढ़ाऊंगा अभी, टाइप ऑफ फंक्शन में भी, बट पहले ब्रीफ कर देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो रूट में क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा एक्चुअली, दैट्स व्हाई मैं, जब भी रूट वाली कंडीशन आए ना, बस एक चीज याद रखनी है कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, पहली बात। अगर ये वाई है तो आपको ये पता है रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। कुछ बच्चों को अभी भी ये डाउट है कि रूट फोर इज प्लस माइनस टू, ये डाउट रहता है, ये गलत है बेटा, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इसकी वैल्यू टू होगी ना कि प्लस माइनस। ये बिल्कुल गलत है जहां भी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये कंडीशंस बिल्कुल गलत है। बट हाँ, आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर हमने तो 10th क्लास में भी ऐसे ही पढ़ा था कि रूट पॉजिटिव। एक्चुअली वो ये कंडीशन नहीं थी, वो कंडीशंस कुछ और थी। वो कंडीशंस ये थी, अगर मैं x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रखूं, देखो ये तो मैंने सिंपल रूट 4 की वैल्यू पूछी आपसे, बट अगर मैं यहां पर x की वैल्यू पूछता तो जब मैं इसे स्क्वायर रूट को हटाता हूं तो ये प्लस माइनस रूट 4। देखो समझो जरा ध्यान, ये स्क्वायर रूट हटाने की वजह से प्लस माइनस 4 आया, ना कि रूट 4। रूट 4 तो अगर मैं इसे हटा दूं तो ये तो अभी भी 2 ही देगा। ये जो प्लस माइनस आया है, देखो रूट 4 की वैल्यू तो अभी भी 2 ही है, ये प्लस माइनस इस स्क्वायर को हटाने की वजह से आया, क्योंकि किसी पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि रूट हमें पॉजिटिव नेगेटिव, इसे अगर मैं हटा दूं, अगर इसे आप हाइड करो प्लस माइनस को, तो रूट 4 तो ये रूट 4 तो अभी भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, प्लस माइनस लगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट हटाया आप लोगों ने, दैट्स व्हाई। समझ में आ गया डिफरेंस क्या था। ठीक है, और मैंने आपको सिंपल सा बोला था कि रूट जो होगा, जैसे ये रूट है, अब इसके बाहर प्लस माइनस ऑलरेडी कुछ नहीं था ना, ऑटोमेटिकली पीछे से कुछ नहीं आया, तो हमें पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव देगा। ओके, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, कई कई क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के पास जेईई मेंस में भी, सीबीएसई में भी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जहां पर ये रूट की छोटी सी कंडीशंस आपके क्वेश्चन को गलत करा देती है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल रूट है, जैसे ये नॉर्मल रूट है, तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। ठीक है, वो तो यहां से हम लोगों ने स्क्वायर रूट लगाया था, पहले हम लोगों ने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड किया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करने की वजह से प्लस माइनस आया, ना कि रूट की वजह से। प्लीज इस चीज को मेंशन रखना अपने दिमाग में, बिल्कुल सेट रखना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चंस देखेंगे, आपको पता है दो कंडीशन याद रखनी है ना, कि अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और जो ये वाई होगा वाई इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये भी हमेशा जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू देगा। एक एग्जांपल
देखो अगर मैंने बोला सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर मैं कहता कि एक्स स्क्वायर माइनस सेवन ले लेते हैं, ठीक है, इसकी रेंज और डोमेन निकालना है, तो फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, पहली बात करेंगे डोमेन की, डोमेन। अब आप मुझे बताओ क्या इसमें एक्स में कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं? यस भाई, स्क्वायर रूट थोड़ा इसके ऊपर ना ही रेसिप्रोकल में, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, एनी रियल नंबर पुट कर दो इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग कहोगे एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, मतलब जो डोमेन होगा वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। बात करते हैं रेंज की, अब मजा आएगा। रेंज में आप लोग को पता है ना क्या करते थे, रिकॉल करो अपने माइंड में, ठीक है। रेंज में फंक्शंस को अपोजिट, सेवन इधर, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर, एलिमिनेट करना है एक्स को, और ये स्क्वायर रूट, देखो आप ध्यान से स्क्वायर रूट लगाया, दैट्स व्हाई प्लस माइनस लिया है। देखो इधर ये एक्स कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्स कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर जो मर्जी करो। अब इधर क्या वाई में कुछ भी पुट कर सकते हैं? नहीं ना, अब तो रूट के अंदर आ गया। जब भी रूट के अंदर आए तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, रूट के अंदर का जो भी पोर्शन है वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो जब भी रूट के अंदर वाला, तो ज्यादा दिमाग ना चलाते हो हम लोग, जो भी रूट के अंदर की कंडीशन है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये सेवन इधर शिफ्ट होगा, इसका मतलब वाई की वैल्यू है जो वो माइनस सेवन से बड़ी होगी। दैट्स इट, कोई दिक्कत, ये सीधा, ये प्रॉपर मेथड है। अगर इसमें आप लोग मुझे कहते कि सर शॉर्टकट कर देते, डायरेक्ट कर देते, तो अगर डायरेक्ट मेथड की बात करोगे तो उसमें थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ेगी। देखो रेंज की, डोमेन तो आपको पता ही है, रेंज में आपको होगी कि सर ये जीरो हो सकता है या जीरो से बढ़ता चले जाएगा, तो बढ़ता चले जाएगा, तो ये पॉजिटिव जो नेगेटिव वाला है ये कम होता चले जाएगा। मीन्स इसकी कब सबसे कम वैल्यू कब आ सकती है? जब ये क्या हो जाए? जीरो। वरना तो भाई जब कुछ ऐड करोगे तो बढ़ता ही चले जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? जब ये क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर जीरो हो जाए, मतलब वैल्यू क्या होगी? सीधी सी बात कि सर अगर जीरो होगी तो वाई जीरो माइनस सेवन, तो मतलब मिनिमम वैल्यू सेवन। उसके बाद तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाओगे बढ़ता जाएगा, कहां तक? इन्फिनिटी तक। देखो रेंज डायरेक्ट, ये आप लोग के पास, इसके पास डायरेक्ट, बट डायरेक्ट कंडीशंस को सोचने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी और बेसिक्स अच्छे से आने जरूरी है। दैट्स मैं प्रॉपर मेथड भी बता रहा हूँ आपको और डायरेक्ट मेथड भी बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस होंगे जहां पर आप लोग डायरेक्ट मत यूज किया करो, ज्यादा बेटर होता है। चलो ये तो एक सिंगल साइड कंडीशन है, अब दोनों साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी देखने को मिलता है आप लोगों को, इस तरह का क्वेश्चन जैसे मैंने दिया, लेट करो नाइन माइनस ऐसे ले लो 81 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी रेंज और डोमेन दोनों बनाती है। अब देखो इस क्वेश्चन पे दोनों पे कंडीशन है, रेंज पे भी और डोमेन पे भी। भाई क्वेश्चन ये है आपका y इक्वल्स टू 81 माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ क्या करेंगे? क्या अभी भी x कुछ पुट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं ना, अब तो भैया स्क्वायर रूट के अंदर है, कंडीशन लगेगी। तो कंडीशन तो ये कहती है, मैंने आप लोग को बताया कि ज्यादा सोचते हुए ना सोचते हुए डायरेक्ट लिखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब आती है इसे सॉल्व कैसे करें। देखो दो मेथड है, एक तो है मॉडुलस, अभी मॉडुलस मैंने पढ़ाया नहीं, टाइप ऑफ फंक्शन में पढ़ाऊंगा तब वो मेथड की हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा मेथड देखो, ध्यान करो, ये लीनियर इनइक्वेशन है। लीनियर इनइक्वेशंस में जब, अगर लीनियर इक्वेशंस होती थी सीधा कर लेते थे, जब क्वाड्रेटिक होती थी, क्यूबिक पेयर होती थी, तो क्या करते थे? वेविकर मेथड। क्या करते थे? वेविकर मेथड। मैंने लास्ट क्लास में वेविकर मेथड पढ़ाया है, जिस बच्चे को वेविकर मेथड नहीं आता वो जो लेक्चर नंबर 2 है बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स से वहां से स्टडी करे। देखो तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना बच्चों, 9 माइनस एक्स और 9 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एंड वेविकर, यू नो अबाउट वेविकर, वेविकर में मैंने आप लोग को क्या बताया, इसके दोनों जीरोस को इस पे प्लॉट करोगे और उसके बाद किसी भी सब इंटरवल की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि वहां पर पॉजिटिव है या नेगेटिव। ध्यान से देखो, दो रूट इसके, एक नाइन दूसरा माइनस नाइन, नाइन से बड़ा टेन लो। अच्छा टेन पर ये क्या देगा बच्चों? नाइन माइनस टेन माइनस वन ना, और टेन पर ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके वी नीड जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब आप कहोगे कि सर एक्स की वैल्यू माइनस नाइन से नाइन के बिटवीन लाई करेगी। ये हमारा हो गया डोमेन। क्या हुआ बच्चों? ये हमारा डोमेन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। इसी डोमेन को अब
ठीक है, इसकी अब रेंज निकालते हैं। ये सिंपल सा डोमेन था, ठीक है, डन, समझ में आ गया। देख लो एक बार, और कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। देखिए जरा, ये तो आ गया भैया डोमेन एक्स की वैल्यू है। अब बात करेंगे रेंज, रेंज मतलब वाई की वैल्यू कहां से कहां तक हम लोग इसमें ले सकते हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। रेंज, रेंज में मैंने आप लोगों को बताया फंक्शन को अपोजिट करते हैं, पहली बात तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तभी तो एक्स बाहर निकलेगा, सॉरी 81 था। फिर इसे इधर भेजेंगे, माइनस को इधर भेजेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये इधर जाएगा माइनस 81 प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, सॉरी 81 माइनस इधर भेजा है, और अब एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 81 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वाई की, कि वाई की क्या क्या वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। भाई कंडीशन है रूट वाली, सीधी सीधी कंडीशन। तो आप लोग कहोगे सर ये तो अगेन सेम सी कंडीशन आ गई, 81 माइनस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, अगेन वे वी कर। भाई कोई भी हो सकता है यहाँ पर, जरूरी नहीं एक्स के लिए होता ही ये, यहाँ पर वाई टी क्यू पी कुछ भी हो सकता है, ऐसा पेयर होगा तो हम लोग इनका यूज करेंगे। सेम वे वी कर लगेगा बच्चों, एक माइनस वन एक वन, नाइन से बड़ा कुछ भी, अच्छा चाहे इसके बिटवीन की कोई वैल्यू पुट कर लो आप तब भी करेक्ट आएगा। देखो इसके बिटवीन जीरो, जीरो पर ये जीरो, ये जीरो, मतलब नाइन इंटू नाइन पॉजिटिव, तो देखो इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव तो इधर भी नेगेटिव। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए बच्चों? पॉजिटिव। y की कौन सी वैल्यू? पॉजिटिव। तो आप कहोगे कि सर वैल्यू ले तो है माइनस नाइन टू नाइन, बट ये वैल्यू है गलत। अब मुद्दा यह है कि सर गलत क्यों है, किया तो बिल्कुल सही है हम लोगों ने। मैंने आप लोग को एक चीज पहले ही बताई थी कंडीशंस में, फंक्शन यहाँ से है, देखो ये फंक्शन है, दो कंडीशन बताई थी, याद करो दो कंडीशंस क्या होती थी, कि दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, हमने सिंप्लीफाई किया। दूसरा क्या बताया था, कि रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, मतलब वाई भी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। तो पहले ही एक कंडीशंस थी कि वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इस जो सबसे स्टार्टिंग की कंडीशन है। मैक्सिमम बच्चे इस कंडीशन को भूल जाते हैं, और ये क्वेश्चन आप यकीन नहीं करोगे जेई मीन्स में, बिट्स प्लानी में, एनसीईआरटी में, एग्जाम्पलर में, हर जगह आया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों आप क्या करोगे, इस गलती को सुधारोगे। आपको पता है कि सर ये वाई हमेशा जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि वाई रूट के इक्वल है, तो यहाँ तो आपने नेगेटिव भी, तो आप ये वैल्यू ना लेके आप लोग वाई की वैल्यू कहाँ से लोगे? ओनली पॉजिटिव, मतलब जीरो से नाइन कंसिडर करोगे। जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो मैंने स्किप कर दी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा फॉर रेंज, रेंज के लिए। समझ में आई बच्चों? देख लो एक बार पूरा क्वेश्चन, समझ में आया ये क्यों किया? क्योंकि दो कंडीशंस थी कि भाई रूट पॉजिटिव वैल्यू देता है, रूट के इनसाइड भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई। डन बच्चों, ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? इस पर अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। डन, ठीक है। अच्छा इसकी ना डायरेक्ट भी आपको, चलो डायरेक्ट से सिखाता हूँ। डायरेक्ट अगर आप कहते हैं कि सर डायरेक्ट बताओ कैसे निकालेंगे, देखो सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। आप सोचो कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो होती नहीं है, इसका मतलब 81 में से कुछ माइनस कर रहे हैं हम लोग। कितना माइनस कर सकते हैं? मैक्सिमम 81 ना, क्योंकि 81 से ज़्यादा, लेट करो कि एक्स की वैल्यू 10 ले लेता मैं, 100 हो जाता, तो 81 माइनस 100 कितना हो जाता? माइनस 90, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब आप कहोगे सर एक्स ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक जा सकता है बस, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 तक माइनस कर सकते हैं, मीन्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 9 तक आ सकती है। अच्छा पीछे कितनी हो सकती है? आप कहोगे सर 0 पुट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1, अच्छा माइनस 1 भी पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि 81 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 चलेगा। फिर आप कहोगे सर माइनस 2 भी पुट कर सकते हैं, माइनस 3, माइनस माइनस 9 तक कुछ भी पुट कर दो। देखो माइनस 9 अगर पुट करोगे तो 81 माइनस माइनस 9 का स्क्वायर भी 0, बट अगर माइनस 10 पुट किया तो माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब तो गलत हो जाएगा, मतलब छोटा तो ठीक है कि 9 से छोटा कुछ भी पुट कर दो, बट माइनस 9 से बड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्क्वायर हो रहा था, और स्क्वायर नेगेटिव को क्या कर देता है? पॉजिटिव। यस और नो? तो 9 से छोटा बट माइनस 9 से बड़ा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा कहाँ तक रह सकती है? बस मैंने आप लोग को बताया कि इसकी वैल्यू 0 टू 81 के बिटवीन रहेगी, ठीक है। तो ये कंडीशंस डायरेक्ट आ गया ना डोमेन। अच्छा रेंज बताओ, डायरेक्ट रेंज क्या आएगी? रेंज में आप कहोगे
कि सर ये सबसे छोटा क्या, भाई किसी चीज में से माइनस करेंगे, जो सबसे छोटा माइनस करेंगे वो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे छोटा क्या हो सकता है, जीरो। अगर ये जीरो होगा तो y इक्वल टू रूट 81, मतलब सबसे बड़ा क्या होगा वो 9, तो आप कहोगे सर रेंज में सबसे बड़ा 9, ठीक है। और सबसे छोटा क्या हो सकता है, सबसे छोटा तो तब हो सकता है ना जब 81 में से 81 ही माइनस हो जाए, उससे कम तो माइनस होने से रहा, तो 81 में से 81 माइनस जाके क्या बचेगा भाई, जीरो। इसका मतलब जीरो से बड़ा, अभी जो मैंने निकाली थी प्रॉपर मेथड से उससे भी सेम आंसर आया था, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत पक्का। और देख लेते हैं, अच्छा चलो डायरेक्ट बताना आप लोग मेरे को ना, एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं इस बार ना, लाइक 30 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ले लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेंगे और प्रॉपर मेथड से क्या करेंगे, दोनों एक बार मैं बता देता हूँ। चलो प्रॉपर मेथड में देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में, डोमेन बोलो क्या करेंगे, डोमेन में पता है ना कि सर इनसाइड वाला, ये मैंने इसलिए कराया, बच्चों को लगता है कि यार कंप्लीटिंग स्क्वायर तो है नहीं, ये कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, चार गया जीरो के साथ, फिर ये भी, अब इसमें वेवी कर लगा सकते हो आप लोग, अब आपको लगेगा सर वेवी कर कोई नहीं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, हाँ या ना, और ये दो रूट, एक माइनस रूट 30 और दूसरा प्लस रूट 30। अच्छा प्लस रूट 30 से कोई बड़ी वैल्यू लेके देखो, ठीक है, अरे इतना तो पता ही है ना, प्लस रूट 30 क्या होगा 5 और 6 के बिटवीन, आप 7 ले लो, ठीक है, या इनके बिटवीन की कोई वैल्यू ले लो, इनके बिटवीन 0 आता है ना, 0 ले लो, चलो 0 और 0, तो रूट 30 इंटू रूट 30 पॉजिटिव, तो आप कहोगे सर ये आ गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव, तो हम लोग क्या कहेंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस रूट 30 टू प्लस रूट 30, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर लिख देता हूँ, तो x बिलोंग्स टू माइनस रूट 30 टू रूट 30, कोई दिक्कत कोई डाउट। वैसे अभी ये मैं आगे इसमें आपको मॉडुलस फंक्शन से भी कराऊंगा, बट जब मॉडुलस फंक्शन पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। ये तो आगे भैया डोमेन, फिर वही बात, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज के लिए मैंने आप लोग को बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, अपोजिट करेंगे, प्रॉपर मेथड से करा रहा हूँ अभी, रेंज, रेंज में आप लोग कहोगे पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, तभी तो एक्स बाहर आएगा घर से, जब तक एक्स अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर क्या आ गया भाई, 30 माइनस 4 वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस माइनस 30 माइनस 4 वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू। अब फिर आप कहोगे सर 30 माइनस 4 वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये 0 से बड़ा होना जरूरी है, ठीक है भाई बच्चों, ठीक है। अब देखो जरा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 30 रूट 30 टू वाई, भाई 2y का स्क्वायर है ये, और ये रूट 30 प्लस 2y, चाहे देख लो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, फिर वही सारी कहानी, वेवी कर, ठीक है। अब यहाँ इसके दो रूट आ गए, एक रूट 30 बाई 2 माइनस का और एक रूट 30 बाई 2 पॉजिटिव, अगेन वही पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, चाहे देख लो जीरो पुट करके देख लो, और ये नेगेटिव, आपको क्या लेना पॉजिटिव, दिख रहा है ना, तो वाई। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर रूट 30 बाई 2 से रूट 30 बाई 2, क्या ये सही है, फिर वही बात, एक छोटी सी गलती दोबारा, कि वाई तो भैया पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो हम लोग कौन सा कंसीडर करेंगे, ओनली पॉजिटिव, मतलब ये करेक्ट नहीं है, कहाँ से लेंगे, जीरो से रूट 30 बाई 2 तक, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, इसमें समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, रूट 30 माइनस 2y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये 0 कब बनेगा, इसे 0 रख के देखो रूट 30 बाई 2 पर, और ये माइनस रूट 30 बाई 2 पर, इनके बिटवीन की वैल्यू ले लो लाइक 0, 0 पर ये 0 ये 0, रूट 30 इंटू रूट 30 पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और अब यहाँ से हमें चाहिए था पॉजिटिव, ये दिया, हमें ये पता था कि y रूट के इक्वल है, पॉजिटिव वैल्यू देगा, दैट्स व्हाई ऐसा किया है। ये डब्बा पता है किस लिए बनाया, सोचो किस लिए, शॉर्टकट के लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए, बट मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों डायरेक्ट के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हल्का सा दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट में सबसे पहले आते हैं डोमेन, कि सर इसका डोमेन क्या होता। अच्छा देखो ध्यान से,
डोमेन x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ? आप कहोगे कि सर ये जो 30 है ना, ये 30 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वरना नेगेटिव, नीचे वाले से कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला 30 से ज्यादा नहीं जाएगा, इसका मतलब x रूट 30 से कम रहा होगा ना। देखो x अगर रूट 30 लोगे, रूट 30 का स्क्वायर 30, इससे ज्यादा नहीं, तो आप कहोगे कि सर x रूट 31 सॉरी रूट 30 से छोटा। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं, रूट 30 से छोटा और किससे बड़ा? माइनस रूट 30 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर माइनस रूट 30 से छोटा लोगे, लाइक माइनस 6 ले लो, माइनस रूट 30 से छोटा क्या होता है? माइनस 6 होता है, चाहे आप देख सकते हो माइनस 6 का क्या करेगा ये, 30 माइनस 36 अगेन नेगेटिव, इसका मतलब रूट 30 से माइनस रूट 30 से बड़ा नहीं जाएगा, तो माइनस रूट 30 ये है इसका डोमेन। अच्छा रेंज, रेंज में तो बहुत इजी सी है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू पुट करके देखो जीरो, इसकी सबसे छोटी वैल्यू अगर जीरो होगी तो ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इस क्योंकि भाई कम करने ना, तो सबसे कम मतलब सबसे छोटी वैल्यू अगर कम करोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी जीरो, तो बचेगा क्या, रूट 30/4 मतलब रूट 30/2 लिख सकता हूँ ना, तो आप कहोगे कि सर सबसे बड़ी वैल्यू रूट 30/2 और सबसे छोटी क्या हो सकता है, सबसे छोटी भाई तो आपको पता है नेगेटिव तो होगा नहीं, तो सबसे छोटी क्या होगी जीरो, या ऐसे लिख लो कि जब ये रूट 30 पुट करोगे तो ये सबसे छोटी वैल्यू देगा जीरो। ठीक है, तो देखो दोनों से सेम आया, बट बच्चों प्लीज ये डायरेक्ट और शॉर्टकट के लिए आप लोग को थोड़ा सा सोचना जरूर पड़ेगा। ठीक है, सीबीएसई में तो आप लोग को प्रॉपर वे में ही करके दिखाना पड़ता है, बट एंट्रेंस वगैरह के लिए या कोई अदर क्वेश्चंस हैं उनके लिए आप लोग अगर रेंज डोमेन चेक करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें रेंज डोमेन में? ध्यान से देखो बच्चों, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोल दीजिए। डन, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये थे रूट वाली कंडीशंस, रूट से आगे की कंडीशंस पर चलते हैं हम लोग। अच्छा रूट में ये एक दो कंडीशंस और देखते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, एंट्रेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि रेंज फाइंड करनी है वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पहले दे देता है एनी रियल नंबर, ना भी दे तब भी हमें पता है कि एक्स कुछ भी पुट करो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो आप लोग क्या कहोगे बताओ, क्या करते हैं रेंज के लिए? इस क्वेश्चन का जरूरत बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी, वो भी फर्स्ट चैप्टर से ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो ट्वेल्थ में और अलेवेंथ में भी होती है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। रेंज के लिए क्या करते हैं, फंक्शन का अपोजिट ना, तो आपने ये इधर लिखा, अब ये वाई इनसाइड जाएगा। ठीक है, और ये एक्स, इसे भी इधर, क्योंकि एक्स को एलिमिनेट करना है आप लोगों ने। अब यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना बच्चों, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर की ना। अच्छा स्क्वायर हटा दो जरा इसका, अब बताओ रेंज क्या, एक्स के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, तो रेंज में अगेन वही रूट वाली कंडीशन याद है आप लोगों को, कि वाई अपॉन वन माइनस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब बताओ क्या 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 वैल्यू लें, फिर वही वेविकर मेथड लगाएंगे हम लोग, वेविकर मेथड। ऊपर वाला जीरो कब होगा, जब वाई जीरो, और नीचे वाला जब वाई की वैल्यू वन, देख लो वन रखोगे वन माइनस वन इज जीरो, तो ये जीरो और ये वन, वन से बड़ा लो कोई भी, टू, टू पर ऊपर पॉजिटिव और टू पर नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और दिस वन इज ऑल्सो नेगेटिव। बताओ कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जीरो या जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अब बताओ पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक लेंगे, जीरो टू वन, तो आप कहोगे वाई बिलोंग्स टू जीरो टू वन, क्या ये सही है? एक छोटी सी गलती है इसमें बता सको तो, वेविकर याद है ना अच्छे से, नीचे वाला कभी जीरो नहीं होता, और नीचे वाला जीरो कब है, वन पर, तो नीचे वाले का जीरो हटाना पड़ेगा, मतलब वन को हटाना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारा ओपन ब्रैकेट। कोई दिक्कत बच्चों इसमें, समझ में आई क्या कंडीशंस थी? एक ये कंडीशंस थी हमारी जो सीधी सीधी मैंने आप लोग को बताई है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। ठीक है, अच्छा दो कंडीशंस की बात की थी मैंने, अभी मैंने स्क्वायर रूट वाली कंडीशंस बताई, एक छोटी सी रेसिप्रोकल वाली कंडीशंस बता देता हूँ, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेज होंगी अगली, टाइप ऑफ फंक्शंस, जिसमें हम लोग हर एक टाइप के फंक्शंस के ग्राफ,
उनकी रेंज डोमेन क्या होती है और उन पर कैसे कैसे ऑपरेशंस लगते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक मॉडुलस फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस हो गया आपका, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉगरिथमिक फंक्शंस कंप्लीट कराऊंगा। लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गया आप लोग के पास, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपके पास हो गया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्सिटी को थोड़ा बाद में करेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन सब फंक्शंस की रेंज, डोमेन, ग्राफ और ये कैसे वर्क करते हैं, इस पर काम करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जरा एक छोटा सा और कंडीशंस पर आज काम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे छोटी सी कंडीशंस, रेसिप्रोकल। आपको पता है कि वन अपॉन अगर मैं एफ ऑफ एक्स डाल दूं तो आपको एक चीज पता है कि बचपन से पढ़ता है, मीन्स अगर मैं लिखूं y इक्वल्स टू 1 बाय x तो आपको बार बार लिखा होता था x डज नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज आपको पता है कि एनी रियल नंबर बाय 0 इज, एनी रियल नंबर बाय 0 इज इनफिनिटी। ठीक है, ये सभी को पता है। समटाइम बच्चों को लगता है कि 1 बाय 0 इज इनफिनिटी, नहीं, एनी रियल नंबर 4 बाय 0 इज ऑल्सो इनफिनिटी, एनी रियल नंबर बाय 0 इज इनफिनिटी। ध्यान से देखो जरा, जैसे इसकी रेंज और डोमेन निकालनी है, डोमेन डोमेन मतलब x क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, आप कहोगे सर जो मर्जी पुट कर दो बट x जीरो नहीं होगा, x जीरो नहीं होगा, ठीक है, x की वैल्यू हमेशा जीरो नहीं हो सकती, उससे अलग कुछ। इसका मतलब आप क्या कहोगे डोमेन बताओ, डोमेन आप कहोगे सर एनी रियल नंबर रेस्ट ऑफ जीरो, ऐसे कर्ली ब्रैकेट माइनस लगा के और जीरो को हटा सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो समझना जरा, माइनस इनफिनिटी से कहां तक की वैल्यू ले लो, जीरो, जीरो पर देखो ओपन कर दिया, जीरो को लिया और जीरो से आगे भी सारी ले लो, यहां पर भी जीरो पर ओपन ब्रैकेट। देखो हम लोगों ने क्या किया, जीरो पर जंप किया, ना जीरो को इधर इंक्लूड किया और ना जीरो को आगे, तो बस एक पॉइंट था जहां पर हम लोगों ने जंप किया, कहां पर, जीरो पर। देखो माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी सब कुछ है ना, बस एक ही वैल्यू नहीं है, वो क्या है, जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसका डोमेन, अच्छा जाएगा इसकी रेंज की भी मैं बात करूं, ठीक है, तो रेंज मतलब y की वैल्यू, तो आपको पता है फंक्शन को अपोजिट करेंगे, इस x को इधर ले आओ, y को उधर। अब बताओ आप कहोगे सर यहां पर भी सेम, y डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब एनी रियल नंबर रेस्ट ऑफ 0, ठीक है, कोई दिक्कत, ये सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा सा और ठीक सा क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक x माइनस 7, रेंज और डोमेन। जब आप, मैं डोमेन की बात करूंगा तो डोमेन में क्या कहोगे आप, this one is does not equals to 0 means x does not equals to 7 any real number rest of 7, ठीक है, तो ये आ जाएगा minus infinity to 7 upon 7 to infinity। देखो सब कुछ वैल्यू ली है, बस बीच में से क्या गायब किया, 7 गायब कर दिया मैंने, क्योंकि हमें 7 इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि अगर x 7 होगा तो 1 by 0 not defined infinity, that's why, ठीक है। अच्छा रेंज, रेंज रेंज भी देख लेते हैं एक बार, ये इधर आ जाएगा, तो y x माइनस 7 इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आ जाएगा y x माइनस 7 y इक्वल्स टू 1, सब कुछ उधर शिफ्ट करो बच्चों, तो ये x को एलिमिनेट करना है, ध्यान रखना, तो y इधर क्या हुआ बताओ जरा, क्या नहीं आ सकता y, जीरो नहीं आ सकता, मतलब जो इसकी रेंज होगी वो माइनस इनफिनिटी टू जीरो और के लिए यूनियन जीरो टू इनफिनिटी, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशंस की हम लोगों ने यहां से क्या निकाला बच्चों, जीरो निकाल दिया, कोई दिक्कत है इसमें, तो ये बहुत ही बेसिक से, अच्छा इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक नीचे क्वाड्रेटिक भी आ जाती है, बट क्वाड्रेटिक वाले की अभी रेंज के लिए मुझे एक छोटी सी कंडीशन और बतानी पड़ेगी, बट हाँ उसका डोमेन आप लोग डायरेक्ट इजीली निकाल सकते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक का डोमेन निकाल के देखेंगे, इसे हटाते हैं इतना, लेट करो मैंने क्वेश्चन लिया, कोई भी क्वेश्चन लिया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस, डोमेन ओनली, अभी डोमेन बता रहा हूं मैं आपको, रेंज भी बताऊंगा डोंट वरी, उसके लिए एक छोटी सी क्वाड्रेटिक की कंडीशन बतानी पड़ेगी मेरे को, दैट्स व्हाई अभी नहीं ले रहे हम लोग। डोमेन में बताओ ज्यादा क्या करेंगे, आपको पता ही है नीचे वाला डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, दैट्स इट, बस अब आपको क्वाड्रेटिक है, इसके रूट निकालने आपको आते हैं, यही होंगे आई थिंक, और डज नॉट इक्वल टू जीरो,
अब आप कहोगे सर x ना तो माइनस वन हो सकता और ना ही सिक्स, क्योंकि माइनस वन पर भी नीचे वाला जीरो देता है और सिक्स पे भी। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो एनी रियल नंबर रेस्ट ऑफ माइनस वन एंड सिक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू माइनस, देखो माइनस वन पर जंप किया फिर माइनस वन से आगे चलते रहे फिर सिक्स पर जंप किया आपने, तो जो वैल्यू करते हैं वहां पर इस तरह हम लोग जंप कर जाते हैं जिससे वो वैल्यू निकल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सी कंडीशंस जहां पर हम लोगों ने ऐसे जंप करके इसकी सिंपल सी रेंज और डोमेन निकाल लिया। इनकी अभी रेंज भी पढ़ेंगे बट उसके लिए इक्वाडेड इक्वेशंस का छोटी सी कंडीशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने दो कंडीशन मेन डिस्कस की है, स्क्वायर रूट वाली और रेसिप्रोकल वाली। नेक्स्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस होगी नेक्स्ट क्लास में हमारे पास, जहां से हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन, देखो मैंने रेंज और डोमेन पहले इसलिए कराया क्योंकि अब टाइप ऑफ फंक्शन में मुझे सब टाइप की रेंज डोमेन निकालना क्वेश्चंस, लाइक मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस आज हम लोगों ने नहीं किए रेंज डोमेन में, वो मॉडुलस फंक्शन में। लॉगरिथमिक फंक्शन बेस वाले रेंज डोमेन के क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए, वो आप लोग को जब मैं टाइप ऑफ फंक्शन में लॉगरिथमिक पढ़ाऊंगा वहां पर कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सी क्लास थी आज की रेंज और डोमेन की, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है समझना अच्छे से बट करना प्रैक्टिस। कुछ दिन बाद ना बच्चे भूल जाते हैं, स्किप हो जाता है, कुछ कुछ करने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है प्लीज़। बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और अच्छे से स्टडी करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ फंक्शंस के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लासेस की फ्रिक्वेंसी भी मैं थोड़ी सी बढ़ाऊंगा कि जिससे हम लोग 13th अप्रैल को जो हमारा बैच चलेगा 12th का, उससे पहले हम लोग सभी बेसिक्स कंप्लीट कर सके। ओके बच्चों, प्लीज़ वर्क हार्ड एंड थैंक यू। और बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, हर एक उस बच्चे को भी रेफ़र करो जो बच्चे गरीब है, जो होम ट्यूशन्स नहीं जा सकते, आपके आसपास बच्चे हैं या जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम है, इवन जो अच्छे बच्चे भी हैं उन्हें भी आप लोग ये फॉरवर्ड करो कि जिससे थोड़ा सभी बच्चों का भला हो। प्लीज़ सभी बच्चों को ये वीडियो फॉरवर्ड करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय।